जाना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लखनऊ धरना दे रहे किसानों के पैरोकार तिरंगा, महाराज ने गोमती नदी में हुए अवैध कब्जे पर सभी राजनीतिक दल व सभी सामाजिक संगठन व सभी किसान संगठनों में से मंच पर आने की अपील। तिरंगा महाराज ने कहा, सभी सामाजिक लोग एक मंच पर साथ आए। गोमती माता हमारी जीवन दायिनी माँ है और हम सब अपने मौलिक अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और न्याय के लिए आप सब एक साथ आए। 26 अगस्त के तिरंगा महाराज किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर है। 169 दिन हो चुके हैं धरने के, अभी तक प्रशासन भू माफियाओं के ऊपर नहीं कर पा रहा है कार्रवाई। घोटाले में कई उच्च अधिकारी नेता उद्योगपति लिप्त। तिरंगा महाराज का दावा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला गोमती नदी घोटाला। तिरंगा महाराज ने मीडिया से की गोमती नदी घोटाले पर कवरेज करने की अपील। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से न्याय मांग रहे हैं किसान। पेड़ से लखनऊ से वशिष्ठ चौबे की खास रिपोर्ट। भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी साथियों को प्रणाम। मित्रों, मैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज किसानों को न्याय दिलाने के लिए और इस क्षेत्र की जुनूनी मांगों को लेके 26 अगस्त से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हूँ, जिसके आज 169 दिन पूरे हो चुके हैं पर अभी भी किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिला है। उल्टा हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमें इस न्याय के रास्ते से हटाने के लिए लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है, कभी भी मेरी हत्या कराई जा सकती है इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा और माफियाओं के द्वारा साजिश रचकर मिलकर कभी भी मेरी हत्या कराई जा सकती है। पर मैं किसी भी धमकी से नहीं डरता हूँ और इस सत्य के लिए जो आवाज़ मैंने उठाई है, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक मैं ये आंदोलन करता रहूँगा। और मैं चेताना चाहता हूँ उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो आज योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भूमाफियाओं से साठ गांठ किए हैं, निश्चित तौर पे ये सभी अधिकारी सस्पेंड होंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफिया आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। किसानों को न्याय मिलेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भारत माता की जय। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा, सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन करूंगा और सभी किसान संगठनों से अपील करूंगा कि सभी किसान संगठन, सभी साथी, सभी लोग इस सामाजिक मुद्दे पर एक साथ आएं और मैं एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं, जिसमें आप सब शामिल होकर इन किसानों को न्याय दिलाएं और इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्य में उजते भारत माता की जय। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद।